हेलो एवरीबॉडी, मैं बिमल सिन्हा आज एक वीडियो लाया हूँ आपके लिए। टॉपिक है टू स्ट्रोक इंजन, मींस इन टू स्ट्रोक जो चार प्रोसेस है, फोर प्रोसेस, दैट इज सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और पावर और एग्जॉस्ट कैसे काम करती है। ठीक है, सक्शन, कंप्रेशन, एग्जॉस्ट, एक्सप्रेशन एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक इन टू स्ट्रोक ऑफ द इंजन कैसे काम करती है, मींस इन 360 डिग्री रोटेशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट और वन रेवोल्यूशन। उसके पहले आप मेरा वीडियो दी देख रहे हैं तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, तब आपको अच्छा से टू स्ट्रोक का वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आ जाएगा। और उसके पहले आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं कीजिए किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो आइए समझते हैं। यह है इनटेक पोर्ट, यह है ट्रांसफर पोर्ट, ठीक है, यह है मेरा एग्जॉस्ट पोर्ट, ठीक है, पिस्टन, एक पिस्टन, ये मेरा है क्रैंक केस। थ्रू इनटेक पोर्ट मेरा इनकमिंग फ्रेश चार्ज इंटर करेगा, ओके, इस डायरेक्शन से मेरा इनटेक फ्रेश चार्ज इंटर करेगा। ये पूरा जो एरिया है ये है क्रैंक केस, मीन्स द एरिया इन अराउंड द क्रैंक इज नोन एज क्रैंक केस। ये जो मैंने ट्रांसफर पोर्ट दिखाया है यहाँ पर, मीन्स यहाँ से मेरा इनकमिंग फ्रेश चार्ज मेरा सिलेंडर में इन करेगा और थ्रू दिस एग्जॉस्ट पोर्ट ये मेरा बाहर जाएगा, ठीक है। तो चार्ज जो प्रोसेस है, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट, हम समझाते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जब पिस्टन यहाँ है, मीन्स डाउनवर्ड मोशन कर रही है, ठीक है, तो फर्स्ट जब पोजीशन वन से लेके यहाँ तक पहुँचती है पोजीशन टू तक, ठीक है, ये हम जो फिगर देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्पार्क प्लग स्पार्क कर रही है, मीन्स कंबसन हो रहा है। तो कंबसन का एंड में क्या हो रहा है, पिस्टन नीचे आएगा, हम उसको बोलते हैं एक्सपेंशन स्ट्रोक। तो पोजीशन वन से टू में, तो पोजीशन वन से टू तक पिस्टन आ गया, मतलब पिस्टन अब यहाँ पर आ गया है, ठीक है, इस पोजीशन पर आ गया है। हम कलर चेंज करते हैं, मीन्स पिस्टन मेरा यहाँ से यहाँ आ गया है, ठीक है, और क्रैंक का पोजीशन मेरा, क्रैंक इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो क्रैंक ऐसे आ गया, ठीक है, क्रैंक यहाँ, क्रैंक का पोजीशन इस तरह से रोटेट कर रहा है, पिस्टन यहाँ आ गया। इस समय में क्या होगा, जो भी मेरा बर्निंग गैसेस है, ठीक है, वो इस तरह से बाहर की तरफ जाएगा ड्यूरिंग द मोशन ऑफ पिस्टन फ्रॉम वन टू टू पोजीशन। तब हम क्या देख रहे हैं, ये जो ट्रांसफर पोर्ट है वो अभी तक बंद है, ठीक है। इसमें हमको मानना है कि जब सक्शन स्ट्रोक हुआ था, जब इनकमिंग फ्रेश चार्ज इन किया था, तो इस क्रैंक केस में इन करके ऑलरेडी प्रेजेंट है। डाउनवर्ड मोशन के टाइम पिस्टन नीचे आ रहा है, तो नीचे जो क्रैंक केस पोजिशन है वहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है जो मेरा फ्रेश चार्जेस है, और वो इस पोजिशन से आके यहाँ तक आके ऑलरेडी फील्ड है, ठीक है। फर्दर मोशन मेरा जब होगा, फर्दर मोशन मतलब टू से थ्री के पोजीशन पे, अब टू से जब थ्री के तरफ आ रही है, ठीक है, टू मोशन से थ्री मोशन की तरफ, उस समय हमको क्या देखना है, उस समय क्या होगा, पिस्टन अब यहाँ आ जाएगी, ठीक है, इस पोजीशन पर आ जाएगी पिस्टन यहाँ आ गई और इस तरह से क्रैंक के साथ अटैच हो गया। तो अब क्या है, टू से थ्री मोशन, टू से जब थ्री पोजीशन पे पिस्टन नीचे आया,
उस समय क्या हो रहा है, जो फ्रेश चार्जेस है यहाँ से, और ये जो ट्रांसफ़र पोर्ट है इस पोजीशन पे, यहाँ ये ट्रांसफ़र पोर्ट को ओपन कर दे रही है और यहाँ पर पूरा फिल कर जाएगी, ठीक है। तो क्या हम देख रहे हैं, डाउनवर्ड मोशन में हमको पता है सक्शन होता है, तो साइमल्टेनियसली दो प्रोसेस यहाँ काम कर रही है, एक एग्जॉस्ट स्ट्रोक और एक सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक मीन्स जब पोजीशन 1 से 2 तक पिस्टन आया तब तक ट्रांसफ़र पोर्ट बंद है, और जो एग्जॉस्ट जो कॉम्बसन हुआ बर्न, तो बर्निंग गैसेज जो है वो 1 से 2 में कुछ मैक्सिमम बाहर चला गया इस ट्रांसफ़र पोर्ट से। अगेन 2 से जब 3 जो पोजिशन मोशन है, डाउनवर्ड मोशन ऑफ द पिस्टन, वो अगेन ट्रांसफ़र पोर्ट को इस पोजीशन पे ओपन किया, इस पोजीशन पे जहाँ मैं गोल कर रहा हूँ, करने के कारण जो मेरा क्रैंक केस में फ्रेश चार्ज है वो इस पोजीशन से अब वो इस जो सिलेंडर है यहाँ पर वो फिल कर जाएगा। ओके, तो मैं क्लियरली फिगर को इरेज करके बता रहा हूँ। ये पोजीशन है, मान लेते हैं ये पोजीशन है 1 2, इसको मान लेते हैं मैं 1, इसको मान लेते हैं पोजीशन 1, ये 2, ये 3, ये यहाँ तक पिस्टन मूव कर सकता है, ठीक है। तो 1 से 2 में हम क्या देखें, पिस्टन नीचे आया और मेरा अनबर्न गैसेस है वो ये पिस्टन यहाँ पर आ गया, तो अनबर्न गैसेस है वो इस रास्ते से बाहर की तरफ चला गया थ्रू एग्जॉस्ट पोर्ट। अगेन फिर क्या होगा, 2 to 3 में ये जो ट्रांसफ़र पोर्ट है ये ओपन होगा, क्योंकि पिस्टन अभी उस तक उसको क्लोज रखा है। तो इस समय में क्या होगा, मेरा जो यहाँ पर ऑलरेडी फ्रेश चार्ज है, एयर फ्यूल मिक्सचर, यदि पेट्रोल इंजन है तो ठीक है, एयर फ्यूल मिक्सचर ये इस पोजीशन से यहाँ तक ऑलरेडी वो प्रेजेंट है। तो 2 से 3 जब पिस्टन नीचे आ रही है, मतलब नीचे आ रही है, तो पिस्टन यहाँ आ जाएगा। अब क्या हो रहा है, ये ओपन हो गया, इस पोजीशन पर ओपन हो गया, तो ये पोजीशन धीरे धीरे यहाँ पर फिल करने लग रही है, क्या इनकमिंग फ्रेश चार्ज फिल कर रही है सिलेंडर पे, ठीक है। मींस अब पिस्टन जब यहाँ पर आ गया तो ईस्ट आ गया, ठीक है, तो यहाँ से जो मेरा फ्रेश चार्जेस था वो इस पोजीशन से आके यहाँ पर पूरा फिल कर गया, ठीक है। तो 1 पोजीशन 2 पोजीशन 3 पोजीशन 4 पोजीशन, सो 1 से 2 तक में मेरा एग्जॉस्ट हुआ, और 2 to 3 में मेरा क्या हो रहा है, एग्जॉस्ट भी हो रहा है और सक्शन भी हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ हम इसमें एक चीज़ प्रोसेस होता है, जब पिस्टन इस पोजीशन में, मान लेते हैं इस पोजीशन पूरा पूरी नीचे 4th पोजीशन नहीं पहुँचा, ठीक है, तो इस समय जो एग्जॉस्ट गैस यहाँ से बाहर भी जा रहा है और उस समय के लिए फ्रेश चार्ज यहाँ इन भी कर रहा है, क्योंकि दोनों पोर्ट साइमल्टेनियसली ओपन है। तो सक्शन और एंड एग्जॉस्ट दोनों साइमल्टेनियसली काम कर रहा है इन 2 स्ट्रोक इंजन, ठीक है। तो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री जो क्रैंक रोटेशन है उसमें मेरा 2 स्ट्रोक काम कर ले रहा है यहाँ पर, सक्शन एंड एग्जॉस्ट ड्यूरिंग पोजिशन मूवमेंट 2 to 3, ये ऊपर वाला 1 है, नीचे वाला 4 है, ठीक है। तो इस समय क्या होता है, कुछ मेरा जो फ्रेश एग्जॉस्ट गैस से बाहर निकली जा रहा है, कुछ फ्रेश चार्ज जो है इस पोजीशन जो आया जो, ठीक है, फिर से मैं इसको रेड कलर लेता हूँ, और यहाँ पर जब फील हो रहा है तो कुछ इससे इस एग्जॉस्ट के साथ वो भी बाहर चला जाता है कुछ क्वान्टिटी। इसमें क्या होता है कि वो एग्जॉस्ट जो गैसेस है उसको तो बाहर लेके चला जाता है, कुछ क्वान्टिटी ऑफ फ्रेश चार्ज वो भी मेरा बाहर चला जाता है, ठीक है। उसमें मेरा लॉसेस होता है फ्रेश चार्जेस का, और उसी प्रोसेस को बोलते हैं स्कैवेंजिंग, SCAVEN स्कैवेंजिंग, GING, ठीक है। तो एक बेटरमेंट भी है कि एग्जॉस्ट गैसेस को पूरा पूरी बाहर निकाल रहा है, और खुद भी उसका लॉसेस हो रहा है कि वो खुद भी आउट हो जा रहा है एग्जॉस्ट गैस से। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्कैवेंजिंग। तो इन दिस वे 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री रोटेशन में मेरा सक्शन एंड एग्जॉस्ट काम किया। जब मोशन लेते हैं पिस्टन का अपवर्ड, ओके, ऐसे ये मोशन, ठीक है, अब ये मोशन मान लेते हैं ये पोजिशन, ये फिगर अब आया, अब पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है, ये मान लेते पोजिशन 1 2 ये 3 एंड
4, तो 4 to 3 अब पिस्टन ऊपर जा रहा है। जब ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते जाते पिस्टन मान लेते हैं यहाँ तक आ गया, ठीक है, यहाँ तक आ गया, तो पिस्टन यहाँ तक आ गया इस तरह से। तो उस समय क्या हो रहा है, यहाँ का मेरा वॉल्यूम जो है बढ़ रहा है, तो इंटेक स्ट्रोक से मेरा इंटेक स्ट्रोक में जो स्प्रिंग है लगा हुआ है, ठीक है, जिससे मेरा वाल्व ओपन क्लोज हो रहा है, तो बाहर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, सराउंडिंग प्रेशर, उस कारण से बाहर से मेरा इनकमिंग फ्रेश चार्ज इस सेकेंडरी स्टोरेज, उसको बोलते हैं क्रैंक केस को सेकेंडरी स्टोरेज बोलते हैं, यहाँ पर फिल होते जा रहा है, ठीक है। हम इनकमिंग फ्रेश चार्ज को ग्रीन कलर से लेते हैं, मीन्स इस पोजीशन से अब जो मेरा इनकमिंग फ्रेश चार्ज आ रहा है इस पोजीशन फिल होता गया, पिस्टन अभी यहाँ पर है तो यहाँ तक फिल होता गया, ठीक है, फिल होते जा रहा है, और यहाँ पर भी ये इस पोजीशन पर आके ट्रांसफर पोर्ट के एंड में आके भी यहाँ फिल होता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से मेरा वर्किंग काम होता है, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट इन 2-stroke इंजन। सो तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि जिनको ज़रूरत है वो उनके तक उनके पास पहुँचे। इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट BS। थैंक यू।